नवी मुंबई स्थित न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नंदिनी गोकुल चंद्रन द्वारा हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डॉक्टर नंदिनी गोकुल चंद्रन ने बताया कि उसका सेंटर न्यूरोसाइकियाट्रिक विकार के लिए स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से इलाज करता है। उन्होंने बताया कि लक्षणों में बोलने में दिक्कत आना, खुद का काम नहीं कर पाना, चलने में दिक्कत होना, अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि भारत में 1 करोड़ बच्चे ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की इस बीमारी के लिए निःशुल्क कैंप 16 दिसंबर को लगाया जाएगा। न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट में ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऐसी बीमारियों का इलाज होता है और ये होता है स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से। ऑटिज्म रस जय बामेल जो हिसार के ही रहने वाले हैं उनका हमने ट्रीटमेंट किया जिनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ये ऑटिज्म में हम ये देखते हैं कि बच्चे स्वमग्न होते हैं, चंचल होते हैं, चल नहीं पाते और मतिमंद होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट स्टेम सेल से होता है। स्टेम सेल पेशेंट के ही शरीर से निकाले जाते हैं, उनकी कमर की हड्डी में से उसमें से स्टेम सेल्स अलग करके पीठ के पानी में छोड़े जाते हैं। बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, बड़ा सर्जरी नहीं है, लेकिन बहुत कारगर है और ऐसे हम 7,500 से ऊपर पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं जिनमें 90% रिजल्ट दिखाई देता है। इसी वजह से हम हिसार में एक फ्री कैंप लेने वाले हैं 16 दिसंबर को। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।